हेलो नमस्ते। पहले तो मैं सबसे माफी मांगना चाहूंगा, आई एम सॉरी, क्योंकि हम लोग टाइम दिया था 12 बजे और 1 घंटा लेट हो गए। नो बडी टू ब्लेम बट द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चला गया और हमारा यहाँ पे मीटिंग हो रहा था अंधकार में। अब वहां पे मैं कैसे लाइव आ सकता हूँ? तो सबसे पहले आई एम सॉरी फॉर दैट। हम लोग कैलकटा में हैं अभी। अब्राहम ली कैमरा के उस तरफ है, जेकब एंड देन शशि। और कल हमारा कैलकटा में वन डे सेमिनार हुआ और आज लीडर्स मीटिंग के बाद हम एक एडुकेशन सेंटर में हैं, कोलकाता BBI एडुकेशन सेंटर। और एडुकेशन सेंटर का जो CEO है राजू सिंह हमारे पास है। और ये अरेंज वरेंज जरा भी बनो। नमस्ते, माई सेल्फ राजू सिंह, कोलकाता BBI एडुकेशन सेंटर। हमारे यहाँ पे सर आए हुए हैं और लाइव डेमो यहाँ पे चलेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए और सेम थिंग सेम काम आप लोग अपने अपने सेंटर में कीजिए। थैंक यू। इनको इंट्रोड्यूस करो प्लीज, एकदम डिटेल्स में थोड़ा बताओ। हेलो फ्रेंड्स अभी हमारे सर के ऊपर में हमारा इवनिंग केयर के सेट लेकर के पूरा लाइव डेमो चलेगा। वो जो डेमो करवाएंगे, जो 15 साल का उनका ब्यूटिशियन का एक्सपीरियंस है, जो हमारे सक्सेसफुली बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, डॉली कुंडू कलकत्ता से है, स्पेशल एजेंट है, वो हमको अभी लाइव डेमो सर के ऊपर में करके देंगे और आप लोग देखेंगे। तो अभी वो उनको वेलकम कर रहा हूँ हमारे सर के ऊपर में। अभी इवनिंग केयर को सेट के लेकर के इनको डेमो करेंगे, ये हम लोग अभी देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू राजू। राजू पहली बार लाइव आ रहा है तो थोड़ा घबराया हुआ है। रिलैक्स, इसमें से हमारे ही लोग जन हैं, हमारे ही मेंबर हैं, तो मैं पूरा इंडिया देख रहा है, इवन बाहर से भी लोग देख सकते हैं। घबराने का कोई जरूरत नहीं, थैंक यू मैं सर, तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सर। और डॉली कुंडू है एंड राखी सरकार, दोनों जो है डॉली हाय कुंडू। हाय, प्लीज हाई करिए एक नमस्ते। मैं बार। सर डॉली कुंडू, मेरा आज बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि मैं MD सर के ऊपर डेमोस्ट्रेशन करूंगी। ये मेरा बहुत बहुत शुभकामना है कि मैं इनको डेमोस्ट्रेशन करा के इनको रिजल्ट दिखा पाऊंगी। सो थैंक यू। हाय, माय सेल्फ राखी शर्कर फ्रॉम कोलकाता। आज यहाँ पर डेमो हो रहा है सर के ऊपर, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है ये देखने के लिए सर को कितना हम लोग चेंज कर पाएंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इवनिंग से कैसे यूज होता है। थैंक यू। अच्छा, पहले आप लोगों को एक और एक चीज बता देता हूँ। बहुत एक्सपेक्ट है कि मुझे चेंज करना है, मुझे और भी यंगर बनाना है। पहले तो मैं बता देता हूँ, हर वीक में मैं यूज करता हूँ इवनिंग केयर। सो मेरे फेस पे कितना ज़्यादा चेंजेस होगा आई डोंट नो, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूजर हूँ और मैं एब्सोल्यूट यूज करता हूँ। तो इसका मतलब है आप पहले से ही आप देख रहे होंगे कि मेरा बच्चे जैसा फेस है। इसके पीछे एटमी का बहुत बड़ा अवदान है। और भी बच्चा हो जाएगा। रियली रियली बहुत अच्छा। ओके सो और हमारे चेयरमैन भी जैसे बोलते हैं कि प्रोडक्ट जो है, अगर खुद पे हमारे चेयरमैन खुद पे ही यूज करते हैं और हम लोग के प्रोडक्ट जो है घर घर पे पहुंचा रहे हैं और खुद अगर यूज नहीं करते हैं तो फिर उसमें ट्रस्ट कहाँ से आएगा। इसीलिए मैं कैलकटा में आया और रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे फेस के ऊपर करो, मेरे फेस के ऊपर करके सबको बताओ, सबको दिखाओ कि कैसे करके करते हैं। प्रोसेस इनको आता है और मुझे ये भी पता है, आई ऑल्सो नो देर आर मेनी पीपल फ्रॉम मेनी डिफरेंट प्लेसेस हु नोज अबाउट दिस प्रोसेस। मुझे ये भी पता है कि आप लोगों को ये प्रोसेस पता है, बट प्लीज अगर प्रोसेस पता है, अगर आपके पास प्रोडक्ट है, अगर आपको पता है कि यहाँ पे सेल कर सकते हो, अगर आपको ये लगता है कि आप पूरी फेस को चेंज करके हेल्दी इंडिया एंड ब्यूटीफुल इंडियन कर सकते हो, तो व्हाई नॉट। आप दूसरे को सुंदर करके खुद सुंदर बन रहे हो, आप दूसरे का हेल्थ अच्छा करके खुद हेल्दी हो रहे हो, इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। सो मैं खुद को आज रखा हुआ हूँ एज ए मॉडल, मेरे ऊपर आप इस्तेमाल करो। एकदम। एंड कैसे यूज कर रहे हैं ये भी आप सुनो, देखो।
अगर आप उस तरीके से कर रहे हो और उससे बेहतर कर रहे हो, प्लीज राइट इन आवर वेबसाइट, प्लीज आप वेबसाइट में लिखो, कमेंट में लिखो और यहाँ पे लिखो अगर आप यूज कर रहे हो। हाय हेलो आप बोल सकते हो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। और कितने लोग हैं अभी देखो, अप्रोक्सीमेटली 32 आप देख रहे हो। थैंक यू फॉर बीइंग हेयर राइट नाउ। और ये वीडियो रहेगा कुछ दिन तक, आप इसको बाद में भी देख सकते हो। चलिए अब मेरा मुंह बंद रहेगा क्योंकि टावल लगा देती हूँ। साफ टावल रखिए प्लीज। यस साफ टावल, क्योंकि ये इवनिंग केयर करने के टाइम में। अच्छा मैं शूट निकाल दूँ? हाँ बेटर है। अच्छा ठीक, मैं करता हूँ। मैं शर्ट नहीं निकाल सकता है ना? ओके अब बताइए मैं, क्योंकि आई एम योर कस्टमर नाउ। साफ टॉवल लीजिएगा और मुझे तो चद्दर उड़ा दिया, मुझे लगता है कि विंटर आ गया। नहीं सर, ये क्लींजिंग करने के टाइम में आपका शर्ट में लग जाएगा, गंदा हो जाएगा। मैं घर में जब करता हूँ सर के ऊपर डीप क्लींजिंग होगा, तो पहले क्लींजिंग के टाइम से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रेकी सिस्टम करा लेते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ प्रोडक्ट यूज करेंगे तो मेरे ये के साथ, मेरे वर्म के साथ सर का बॉडी का वर्म एक होना चाहिए, तब इसका रिजल्ट अच्छा होता है। तो ये पहले रेकी सिस्टम है, थोड़ा सा लिम्फेटिक ड्रेनेज के हिसाब से इसको करना है। मुझे तो नींद आ रहा है, वैसे भी मेरा मेकअप है अभी सब हट जाएगा, मेकअप बीबी क्रीम लगाए हुए। हाँ बीबी क्रीम और इससे सर का फेस बहुत अच्छा है, बहुत। थैंक यू, एब्सोल्यूट का कमाल है, एब्सोल्यूट का कमाल। मुझे सर ऐसे पीछे रखने से बेटर होगा आपको? कैसे सर, आपको ना एक एक चेयर दे दो। चेयर नहीं लगेगा? नहीं नहीं लगेगा, आपको मतलब रिलैक्स नहीं होगा तो ये रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। पैर उठाना पड़ेगा। हां पैर उसको ले लो। सॉरी मैं पैर उठा रहा हूँ इधर। ओके पानी था इसलिए लगा, इसमें पानी था नहीं, कुछ बहुत थोड़ा। एटॉमी डीप क्लींजिंग यूज करने के टाइम में पहले स्किन में कोई पानी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रोडक्ट है। ये हाई प्यूरिफाई टेक्नोलॉजी है, नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी है और ये है बायोटेक्नोलॉजी। तो ये पानी देने से इसका जो टेक्नोलॉजी को ऊपर तैयार हुआ है प्रोडक्ट वो खराब हो जाता है, उसका काम कम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जब क्लींजिंग डीप क्लींजिंग यूज करते हैं, कभी भी डीप क्लींजिंग यूज करने के टाइम में पहले स्किन को वाटर क्लींजर या स्किन में वाटर नहीं लेंगे हम लोग। तो इसमें क्या है, प्रॉपर काम हो जाता है। इसमें ग्रीन टी होता है, जेंसिन एंड जिंको होता है और ये सिट्रस एक्सट्रैक्ट होता है। ये क्या होता है, क्या करता है, स्किन को डीप पोर क्लींजिंग करता है। इसका मेन काम है मेकअप रिमूवर, ये मेकअप रिमूविंग करता है, स्किन को हाइड्रेटिंग करता है और स्किन को ग्लॉसी करता है और डीपली स्किन को क्लीन कर देते हैं। ओके मैं इसमें एक चीज ऐड करूं? यस यस यस। आप लोहे लोहे को काटता है कि नहीं? यस। तेल तेल को निकालता है कि नहीं? यस। वैसे ही मेकअप जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब इट इज जितने भी मेकअप होते हैं ऑयल या फिर हाइड्रोफोबिक बेस्ट होता है।
उसी के ऊपर मेकअप बनता है। तो फिर लोहे जैसे लोहे को काटता है, वैसे ही डीप क्लींजर जो है वो भी हाइड्रोफोबिक होता है, इसीलिए तेल तेल को निकालता है, इसीलिए पानी देने से वो एक डिफरेंट फेस पैदा हो जाता है जिससे आपका चीजें बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए मैं सिंपल भाषा में बोला, बट आपका तो बहुत डीप नॉलेज है, गुड। थैंक यू सर, ये भी मुझे जानकारी मिला, ये भी हम अभी से बताएंगे। कोई प्रेशर ज्यादा लगे तो सर बताना, ठीक है? नहीं, मुझे तो नींद आ जाएगा, कैसे बताऊंगा। ये 2 मिनट तक मसाज देना है। ज्यादातर जेंट्स स्किन में ऑल टाइम डाउन स्ट्रोक में मसाज होता है, जेंट्स स्किन में डाउन स्ट्रोक में मसाज होता है। जेंट्स स्किन कभी भी ऐसे मसाज नहीं करेगा, क्योंकि इसमें इन लोगों का बियर्ड्स होता है ना, आप लोगों का बियर्ड्स होता है, वो आप लोग काटते हैं, तो ये अगर अपर स्ट्रोक में करेंगे तो उसके नीचे बियर्ड्स के, हर एक हेयर के नीचे आपको मतलब रैश आ जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और फॉर वुमेन के लिए कैसे किया जाएगा? वुमेन के लिए अपर स्ट्रोक है, क्योंकि वुमेन के लिए ऐसे स्ट्रोक बनता है, क्योंकि उसके उसका स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, उसको डाउन स्ट्रोक करेंगे तो ये स्किन सैगिंग हो जाएगा, ठीक है? इसलिए वुमेन्स के लिए ऑल टाइम डाउन अप स्ट्रोक, जेंट्स के लिए डाउन स्ट्रोक। मेरा स्किन सॉफ्ट है? आपका स्किन बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, एटमी के प्रोडक्ट के वजह से। दैट रियली एब्सोल्यूट का रिजल्ट एब्सोल्यूट है। इनका अभी मैं वॉश करूंगी। जैसा है मुझे बच्चा बना दिया ना वो एब्सोल्यूट ने, देखिए डिप क्लेंजिंग हो गया। अब ये डिप क्लेंजिंग के बाद हम लोग करेंगे फॉर्म क्लेंजिंग, क्योंकि एटोमी में डबल क्लेंजिंग है। ये है फॉर्म क्लेंजिंग, डिप क्लेंजिंग लेके हम लोग पहले ही डिप क्लेंजिंग लेके फेस में लगा दिया, लेकिन फॉर्म क्लेंजिंग पहले फेस में नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसको फोमिंग करना है। तो डायरेक्ट फेस में लगाएंगे तो फेस में आपका प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, फोमिंग एक जगह ज्यादा होगा एक जगह कम होगा, इसलिए हाथ में लेके इसको फोमिंग करना है। फिर हाथ में लेके फोमिंग करने से क्या होगा, पूरा फेस एक जैसा फोमिंग होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखिए फोमिंग हो गया, अभी मैं फेस में यूज करूंगी। Thank you.
ये मसाज करते करते ड्राई हो जाता है, इसको ड्राई मसाज मत देना, इसको थोड़ा सा ड्राई जब भी हो जाएगा तब भी जस्ट ऐसे पानी लेके उसको फिर से मसाज देना है, इसको गीला मसाज देना है, इसको वेट मसाज देना है। ड्राई मसाज देने से स्किन के ऊपर प्रेशर आ जाता है, स्किन थोड़ा सा सैगिंग हो जाता है, स्किन थोड़ा सा मतलब उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है ड्राई मसाज देने से। राजू नेक्स्ट कब करने वाले हो, कराने वाले हो तुम अपने फेस में? सर को एक बार मैंने करा दिया, हम ऑलरेडी करवा चुके हैं डॉली मैम से, और बहुत रिजल्ट हो गया काफी टाइम हुए वो, या हमारे यहाँ पे भी जितने दर्शक हमारे एटोमियन बैठे हुए हैं, इस सबको ये करना पड़ेगा। सिर्फ हम लोग अगर जो कॉस्मेटिक हम लोग बिक्री करने जा रहे हैं, अगर खुद के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, खुद को यूज नहीं करेंगे, खुद का लुक अगर चेंज नहीं करेंगे तो बिजनेस हम लोग कैसे करेंगे। तो प्लीज सबको सब आप लोग ट्राई कीजिए अपने ऊपर, फेस के ऊपर, और अपने टीम में करवाइए। थैंक यू। मानो कि अपना एक रेस्टोरेंट है और खुद नहीं खाना खा रहे हो, लोगों को खाना खिला रहे हो, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे कि मैं यहाँ पे क्यों खाऊं? सही बात है सर, सिंपल है। इसीलिए अगर हमें दूसरों का सजेस्ट करना है, सही बोले सर अपने, एक्चुअली अगर हम अपने ऊपर में हमारा इतने यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, अगर बीच बीच में ये डेमो करते हैं हम लोग, लेकिन स्पीड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बहुत सारे पार्लर में जाना पड़ता है, तो डेमो तो पहले ही करके दिखाना पड़ता है। तो ये डॉली मैम और राखी सरकार हमेशा जहां भी जाते हैं, इन लोगों को ऐसा कोई दिन रूटीन नहीं है जिस दिन ये लोग फील्ड पे या कोई पार्लर विजिट नहीं होता है, कहीं ना कहीं ये लोग डेमो करते हैं तभी जाकर के हमारे लोगों का रिजल्ट देखता और बिजनेस हो रहा है। तो जब तक आप लोग फील्ड में नहीं निकलोगे, जब तक लोगों के ऊपर में डेमो नहीं करोगे, तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो आप लोग को फील्ड में जाना पड़ेगा, डेमो करके दिखाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेमो के लिए प्रोडक्ट भी होना चाहिए, प्रोडक्ट उठाना पड़ेगा, आपको डेमो दिखाएंगे तो पता चलेगा जब लोगों के ऊपर में अप्लाई करेंगे। तो थैंक यू, आप लोग जरूर इसको यूज कीजिए और रिजल्ट देखिए। थैंक यू। तो राजू नेक्स्ट कब यूज कर रहे हो तुम्हारे फेस? हम सर आज अपना 4 तारीख हो गया, हम 7 तारीख को ही यूज करने वाले हैं सर। अब भी तुम क्योंकि कल ही हो तो अच्छा हो, लेकिन कल इनका परसों का 2 दिन का शेड्यूल है क्योंकि मीटिंग के लिए 2 दिन इधर ये लोग फंस गए, तो फील्ड में टाइम दियो। संडे को हम करवाएंगे और आप लोग इसी तरीके से लाइव, आज एक चीज अच्छा हुआ इस टाइम का, हम लोग संडे को लाइव चलाएंगे। संडे को हमारा इसी एजुकेशन सेंटर में हमारे ऊपर लाइव चलेगा, तो आप लोग देख पाएंगे। थैंक यू। आप खोल के देखिए, आप जलता है नहीं? जल रहा है, ठीक है। हाँ अच्छा, आप ये क्यों पूछे एक बार बताइए हमारे ऑडियंस को। जो फोम क्लींजिंग करने के टाइम में आप बंद करके करना है, आप खोलना नहीं है, और जब आप वॉश करेंगे तो वॉश करने के बाद आपको जरूर देखना है कि आप अच्छी तरह वॉश हुआ या नहीं, क्योंकि फोम क्लींजिंग का जो पार्टिकल्स है वो अगर आंख में जाएगा तो इरिटेशन होगा, तो इस इरिटेशन अगर ना आए तो अच्छा है। कोई प्रोडक्ट आप यूज किया फेस में, लेकिन वो यूज करते करते उसका वो यूज तो कंप्लीट हो गया लेकिन उसका आंख में इरिटेशन आया, तो वो प्रोडक्ट ना वो अच्छी तरह ले नहीं पाएंगे। इसलिए ऑल टाइम जहां भी आप लोग फेशियल कराएंगे या डेमो दिखाएंगे, आप उनको फोम क्लींजिंग के बाद ये बताना है कि वो कंफर्टेबल है या नहीं, आंखों की तरफ से वो देख पा रहे हैं या नहीं, उसको आंख में इरिटेशन हो रहा है या नहीं है। ठीक है, इसको रिपर आंसर करो। सर का 2 क्लींजिंग हो गया, बताओ मैं ये डेप क्लींजिंग एंड फोम क्लींजिंग, 2 क्लींजिंग हो गया। अभी मैं करूंगी पील जेल। ये पील जेल जैसे डिप क्लींजिंग किया उसके आगे फेस पूरा ड्राई था, उसमें पानी नहीं था, ये पील जेल के टाइम में वो आपका फेस को ड्राई होना चाहिए, आपका हाथ भी ड्राई होना चाहिए। आप खुद यूज करो तो वैसे हिसाब से यूज करना है। पूरा फेस को ड्राई करना है।
आपको पील जेल यूज करने के टाइम में, पील जेल यूज करने के टाइम में देखना है कि आईब्रो के साथ पानी है या नहीं, आपका नोज के नीचे पानी है या नहीं, यहाँ पर पानी और ये साइड ईयर के साइड में पानी है या नहीं, उसको ड्राई करना, क्योंकि एक भी बूंद पानी पील जेल के साथ रहेगा तो वो अच्छी तरह आप उसको रिजल्ट नहीं दे पाओगे, वो पानी से गीला हो जाएगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये स्किन पूरा ड्राई हो गया और अपना हार्ट भी पूरा ड्राई होना चाहिए। ओके, अभी हम लोग करेंगे पील जेल, पीलिंग जेल, पीलिंग जेल। इसको लेके मसाज नहीं करना, इसको लेके पहले पूरा फेस में जैसे हम लोग पैक लगाते हैं एकदम उसी तरह फेस में पतला लेयर करके लगाना है। आपका हाथ में तो जादू है, सही में सर। फीलिंग ही नहीं हो रहा है कि आप टच कर रहे हो। राजू, यस सर, रियली डोली मैडम से मैं पहले भी करवाया हूँ दोस्तों, तो ये इनके हाथ में रियली सर जो हमारे बताए ये जादू है, क्योंकि मैं इस चीज को देख चुका हूँ, हमारे ऊपर भी अप्लाई हुआ है और संडे को फिर से अप्लाई होने वाला है। तो रियली डोली मैडम के हाथ में जादू है। कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट तो हमारा रियली लाजवाब है, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत हाथ का भी जादू होता है। इनके हाथ में जो मसाज का तरीका और करने का तरीका जो है थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, तो रियली बहुत बहुत नाजुक तरीके से और बहुत खूबसूरती तरीके से इन्होंने हाथ का काम करते हैं। थैंक यू। ये पील जेल लगाया पूरा फेस में एकदम पतला सा लेयर से, इसको 2 मिनट रखना है। मैं ये जो सर लोग बताए ना कि हार्ट बहुत अच्छा है, मेरा मैं जहाँ से टेक्निकल काम सीखी हूँ तो वहां से पहले मेरा ऐसा स्ट्रोक नहीं था। ये बात मैंने जाना कि जो काम हर टाइम किया जाए वो बहुत शार्प हो जाता है, बहुत शार्प हो जाता है। ये फेशियल का काम मैंने इसलिए चुना कि मुझे बहुत दिन का शौक है कि जिसको मैं फेशियल दूं या जिसको मैं मसाज करूं वो बंदा सो जाए, क्योंकि हर फेशियल में क्लाइंट सोता नहीं है। फेशियल का टर्म्स बहुत बहुत टफ है, वही टर्म से अगर किया जाए, अगर वो फेशियल करते करते जिसके ऊपर फेशियल करेंगे अगर वो रिलैक्सेशन में सो जाए तो आप सोचना कि आपका फेशियल एकदम 100% है, और उनका रिजल्ट भी आपका उस बंदे के ऊपर जिसके आप कराएंगे उसके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये है फेशियल का काम, हो गया। अभी इसको फील्ड में बहुत ज्यादा होता है, तो सेंटर में भी अभी वीकली कम से कम 3 डेमो तो करवाएंगे, तो 3 या 4 डेमो चलेगा, क्योंकि ये लोग फील्ड में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। लेकिन फिर भी मैं डॉली मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एवरी संडे तो हम लोग करते ही है, तो संडे छोड़कर भी इनका अगर थोड़ा टाइम मिले तो प्लीज हमें बताइए, और हम नए लोगों पे, हमारे मेंबर पे जो हमारे फील्ड में दौड़ रहे हैं, हमारे मेंबर के ऊपर में हम अप्लाई करवाना चाहते हैं। संडे छोड़ के हम लोग करेंगे। यस राजू, यस, मैंने टारगेट नहीं दिया, तुम्हारा फेस बेटर करने के लिए बोल रहा हूँ। यस सर नहीं, एक्चुअली मैं, आप कुछ भी बोले तो उसको सॉरी सर, आप लोगों को एक्चुअली वो सर हमें बोले वो टारगेट नहीं था, एक्चुअली हमें यूज करना है, क्योंकि हम अगर बेटर लगेंगे, हमारे प्रोडक्ट जो अप्लाई किए हैं हम परे ऊपर में यूज किए हैं, अगर लोगों की ये चीज दिखेगा नहीं तो सामने वाले समझेंगे कैसे। तो रियली हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अभी ये सिलसिला सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, हमारे जितने भी एटोमियन मेंबर है वो बीच बीच में अभी कंटिन्यू आप लोग एडुकेशन सेंटर आते रहिए, कब किसके ऊपर में अप्लाई हो जाएगा हम बता नहीं सकते। अगर अपना अनोखा चेहरा देखना चाहते हैं, खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो एवरी डे आते रहिए, लॉटरी का तरह कब आपका नंबर आ जाएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप आइएगा तो मैं इतना गारंटी दे सकता हूं कि आपका चेहरा बहुत बेटर हो जाएगा और लोग देखकर तारीफ करेगा कि रियली क्या लुक था आपका। ये लुक देखना चाहते हो तो एटोमी के साथ में एजुकेशन सेंटर में भी कंटिन्यू आए। थैंक यू। ये देखिए
जैसे डैंड्रफ मतलब गिरता है ना कोम करने से, ये देखिए डैंड्रफ की तरह डेड सेल है ये सब, मतलब पूरा गिरता है। ओ, दिखाई दे रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। मैं चलो जब आप करते ऐसे ही होता है ना फिर। हाँ, हाँ, हाँ। मैं इतना टाइम लेके कर नहीं पाता क्योंकि मैं खुद करता हूँ और मुझे जल्दी करना पड़ता है, मेरे पास वक्त कम होता है। पर आप जैसे वक्त लेके कर रहे हो तो मैं जनरली जो है आप जैसे 2 मिनट रखे हो, मैं 2 मिनट के बाद उतना और 2-3 मिनट आप मसाज कर रहे हो और भी थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो, मेरा टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है क्योंकि मैं रेगुलर करता हूँ तो मेरा टाइम शॉर्ट होता है। सही में सर जो बताया टाइम शॉर्ट, एक्चुअली हम लोग भी घर पे ऑलरेडी हमें एब्सोल्यूट यूज करते हैं, और सबको बता दूं सर कि ऑलरेडी मैं एब्सोल्यूट को यूज करता हूं और इवनिंग केयर का जो सेट है यूज तो करता हूं, लेकिन जितनी टाइम देना चाहिए उतना टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि इतने कॉल आते रहते हैं, प्रोग्राम में जाना पड़ता है, थोड़ा सा डिले होने के कारण है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से यूज करना पड़ेगा। एक चीज तो मैंने सीखा जाना कि प्रोडक्ट जो है उनकी जो टाइम चाहिए वो टाइम तो आपको देना पड़ेगा, टाइम दोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्विक में करोगे तो उतने रिजल्ट नहीं आ सकता है। तो भी रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो टाइम भी आपको देना पड़ेगा। तो जो भी आप लोग अपने ऊपर में प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो जो टाइम दिया जा रहा है वो टाइम आपको देना पड़ेगा, चाहे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जिस प्रोडक्ट के लिए जो टाइम हो वो टाइम देकर के ही, थोड़ा समय लेकर के प्रोडक्ट को यूज किया अपने ऊपर में, रिजल्ट बहुत बेटर मिलेगा। थैंक यू मैम को बोलने दो जाता हूं। ये जो डेड सेल रिमूव हुआ ना, पिल जेल डेड सेल रिमूव करता है, उसके साथ साथ बहुत सारा जेंट्स लोग ओपन बाइक में चलते हैं, ओपन मतलब धूप में रहते हैं, तो उसको क्या होता है, उसको नोज के ऊपर ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड ज्यादा हो जाता है, उसको फेस के साइड में पूरा काला काला स्पॉट हो जाता है, वो सब आपको निकल जाएगा, नोज के ऊपर ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स नहीं रहेगा, स्किन बहुत सॉफ्ट होगा, ग्लोइंग होगा, स्किन टाइटनिंग भी होगा, इससे क्या होगा आपका टैन भी रिमूव हो जाता है। डेड सेल रिमूव होने के साथ साथ आपको टैन भी रिमूव हो जाता है। अगर डेली आप आपका स्किन का डेड सेल रिमूव करोगे तो स्किन बहुत शाइन, ऐसे सर का स्किन है, जैसे सर का स्किन जैसा ग्लोइंग कर रहा है वो आपका स्किन भी ग्लो करेगा। मार्केट में जाते हुए जिसके साथ आप एटोमी का बात करेंगे तो वो खुद फर्स्ट आपके आपके चेहरा को देखेगा, क्योंकि हम लोग जब एटोमी का बात करते हैं ना तो उसी टाइम में जिसके साथ एटोमी का प्रोडक्ट लेके बात करते हैं कि उसका ये रिजल्ट है, एब्सोल्यूट का ये रिजल्ट है, पेम का ये रिजल्ट है, वो खुद हमको देखता है, वो खुद राखी सरकार को देखता है कि आप लोग यूज करते हो। जब तक ये प्रोडक्ट आपके घर में है आप लोग यूज करो, जिस दिन यूज करना चालू करेंगे आप लोग, आप देखना आपका बिजनेस भी बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। यस मैम, क्योंकि हम लोग हम ना अभी अभी जो पार्लर सेट करते हैं सनत सर, हम जो अभी पार्लर के साथ काम करते हैं सब गूगल सर्च करके करते हैं, किसी को मैं नहीं पहचानती हूँ पहले वाला पार्लर, किसके जिसके साथ जानकारी है उसके साथ हम कम काम करते हैं। अभी अभी नया जनरेशन है, नया नया पार्लर निकल रहा है ना, तो उसके साथ हम काम करते हैं गूगल सर्च करके, उसका रेटिंग देख के, उसके साथ बात करके, उसको मतलब रेटिंग देखने के बाद उसको हम मैसेंजर में लाते हैं, उसके बाद मैसेंजर के बाद उसको व्हाट्सएप में लाते लाके मेरा चेहरा दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ, मैं पहले एक प्रोडक्ट बिफोर प्रोडक्ट यूज करने से पहले मैं ऐसी थी और ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद मैं ऐसी हो गई हूँ। तो आप अपना सैलून में या अपने ऊपर अगर दिखाना चाहते हो तो कांटेक्ट करो मुझे। बहुत सारा सैलून है जो मुझे फेसबुक से कांटेक्ट करता है और जिसको मैं गूगल से सर्च करती हूँ वो भी मेरे साथ काम करते हैं। ये हो गया पिल जेल के बाद भी मैं स्किन को ड्राई कर लिया, इसमें क्या हुआ स्किन डेड सेल रिमूव हुआ, स्किन का जितना व्हाइटहेड ब्लैकहेड सब वो भी रिमूव हो गया, सर का कुछ नहीं है, सर का स्किन बहुत एकदम पूरा क्लियर है। अच्छा, इसमें आप पानी लेके धोगे नहीं? हुआ तो
सही तरीके से, एकदम सही तरीके से। इसमें एक चीज हमें याद रखना है, हाँ। क्योंकि इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सिलिकाज रहता है, अच्छा, हाँ। राइट, और इसमें कोना कोना रहता है, अच्छा। तो ये सही तरीके से साफ करना पड़ेगा। तो ये स्टेप जो है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसमें से ये पीलिंग जेल में अगर कहीं पे भी रह जाता है, अच्छा। वो बाद में स्किन में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। ओके सर। तो इसको निकालना सही तरीके से इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ये मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप सही तरीके से निकाल दिए हो, देन यू कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। एकदम पूरा पूरा सही तरीके से निकाल दिया, पानी देके पूछ ले। मैं एक्चुअली आपका बात सुनते सुनते मुझे यहाँ ध्यान नहीं था। अब टू टाइम कोई भी क्लेंजिंग टू या थ्री टाइम्स करना है, मतलब वाटर क्लींजर टू या थ्री टाइम्स करना है। उसके बाद भी देखना है कोई जगह उसका सोल्यूशन है या नहीं। ये पूरा स्किन क्लीन हो गया, स्किन को ड्राई कर लिया। अभी हम इसमें इसके ऊपर यूज करेंगे लास्ट फोर स्टेप, जो पील अप मास्क। ये है पील अप मास्क। पील अप मास्क क्या करता है, स्किन को टाइटनिंग करता है और स्किन को टाइटनिंग करता है और स्किन को फॉर्मिंग भी करता है। और स्किन में डीप क्लेंजिंग के बाद, डीप क्लेंजिंग, फोम क्लेंजिंग और पील जेल के बाद अगर स्किन में कोई टैन रह गया, ये डिटैन का काम करता है। हम लोग डेली निकालते हैं, अगर डेली हम लोग एक बार स्किन में ये मास्क लगाए डीप क्लेंजिंग फोम क्लेंजिंग के बाद, तो स्किन बहुत फ्रेश रहता है, स्किन में टैन नहीं रहता है, स्किन बहुत टाइटनिंग भी रहता है। तो अभी हम यूज करेंगे ये डीप क्लेंजिंग। पील ऑफ मास्क सर, इसमें और कुछ मतलब नया ऐड करना है तो आप बता दीजिए। मैं तो सिर्फ यही ही बोलूंगा कि कोरोना का ट्रीटमेंट के लिए कोई बंदा डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर खुद कोरोना में जूझ रहा है, तो वो देख के बोलेगा भाई डॉक्टर खुद ही कोरोना में जूझ रहा है, उसे मैं कोरोना क्या दिखाऊंगा। वैसे ही और एक भी एग्जाम्पल देता हूँ। जनरली लोग उस मिठाई दुकान से खरीदते नहीं है जिस मिठाई दुकान में जो मिठाई बनाता है वो दुबला होता है, क्योंकि वो खुद मिठाई नहीं खा रहा है तो दूसरा मिठाई कौन खरीदेगा उधर से। सिमिलरली हम अगर खुद नहीं यूज कर रहे हैं और लोगों को बड़ी बड़ी ज्ञान दे रहे हैं और खुद का मुंह से जो है खुद के फेस में से वो ग्लो नहीं आ रहा है, आदमी क्या विश्वास करेगा। वैसे ही कोरोना जैसे बोला, या फिर जो मिठाई बनाता है वो दुबला होता है, वहां से मिठाई खरीदते नहीं है लोग। तो वैसे ही अगर हमारा फेस खुद का ही अच्छा नहीं होगा तो हम दूसरे को बोलेंगे तो उसको विश्वास कैसे होगा। इसीलिए अगर आप एजुकेशन सेंटर हो, अगर आप लीडर हो, अगर आप एटमी प्रोडक्ट दूसरे को सजेस्ट कर रहे हो, दूसरे को बता रहे हो, खुद पे आजमाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं खुद ही नहीं यूज कर रहा हूं, लोगों को बोलने से कन्विक्शन ही नहीं आएगा, मुझे तो पता ही नहीं होगा कैसे करके लगाना है। आप खुद ही सोचिए, आप दूसरे को गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं और खुद को ड्राइविंग पता नहीं, कैसा होगा बताइए। राजू दो सेंटेंस में, किधर गए राजू, नहीं है, yes, है। बताओ तुम ड्राइविंग सिखा सकते हो दूसरे को? नहीं सर। अगर तुम्हें ड्राइविंग नहीं आता है सिखा सकते हो? नहीं सर, पहले तो खुद को ड्राइविंग आना चाहिए तभी तो हम सामने वाले को सिखा सकते हैं। तो खुद कब ड्राइविंग करने वाले? बस इसी संडे को करने वाले हैं सर। और हर वीक ड्राइविंग करने वाले? एवरी वीक तो रहेगा ही, बीच में भी कर सकता हूँ। एवरी वीक को संडे को तो फिक्स्ड है हम लोग करते, लेकिन बीच बीच में भी हम लोग करेंगे। और सिर्फ ऐसे ही करके मर्सिडीज में सिर्फ ड्राइविंग करोगे या फिर बीएमडब्ल्यू में भी ड्राइविंग करोगे? इसका मतलब है कि सिर्फ इवनिंग केयर करोगे या फिर एब्सोल्यूट लगा के देखोगे या फिर द फेम लगा के देखोगे, सनस्क्रीन कैसा करके लगाना है वो दिखाओगे, सब करने वाले हो ना? सब प्रोडक्ट को करने वाले हो सर, क्योंकि सब प्रोडक्ट नहीं करेंगे तो हमें प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे चलेगा। ऑलरेडी एब्सोल्यूट मैं यूज करता हूँ, फेम भी लगा के देखा हूँ, अभी बाकी जो भी प्रोडक्ट है वो भी अपने ऊपर मैं ट्राई करूंगा सर, जरूर ट्राई करूंगा। सिर्फ
सिर्फ आप नहीं, हम सब जितने भी हमारे मेंबर हैं, जो लोग भी ये प्रोडक्ट लिए वो पूरे प्रोडक्ट का ट्राई करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी आइटम है जो अभी तक आप लोग नहीं ले, लेकिन प्लीज आप अपने ऊपर में ट्राई करो। जितने भी हमारे कॉस्मेटिक आइटम है, सिर्फ हमारा फेम नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं, उसके बाहर में भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो ये सब प्रोडक्ट अपने ऊपर में प्लीज यूज कीजिए और लोगों को भी करवाइए। अच्छा, होमे जो हमारा लॉन्च हुआ है वो पहुंच गया है तुम्हारे पास? आने वाला है सर। ओके, आपको कुछ बोलना है इसको लगाने के लिए बताइए। ये जो पैक लगाने का एक तरीका है, ऐसे पैक लेने से और लगाने से नहीं होता है। आप देखिए कितना मतलब थिन लेयर में एकदम पॉलिश की तरह लगाना है और एक ही उंगली लगाना है। ज्यादा उंगली लेके आप यूज करेंगे तो मास्क वेस्टेज हो जाएगा, क्योंकि ये जो लगा हुआ है ये वेस्टेज है। अगर ब्रश से लगाएंगे वो तो ज्यादा वेस्टेज हो जाएगा। एक उंगली से आप थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। ये जब भी मास्क लगाएंगे तो ये आपा स्ट्रोक में लगाना है, ठीक है? इसको ऐसे करके लगाना है और हाफ हाफ करके, ऐसे नहीं अब आधा इधर लगाया फिर छोड़ दिया आधा इधर लगाया। एक पार्ट मतलब हाफ फेस को हाफ कर लीजिए, हाफ पार्ट पहले लगाइए फिर उसके बाद दूसरा पार्ट लगाइए, तो एकदम इवेंटली मास्क लगेगा और अच्छा से लगेगा। ये मास्क लगा के 10 से 15 मिनट तक रख सकते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद ये मास्क को उठाना है। ये मास्क जितना टाइम सूखेगा, जितना अच्छा सूखेगा, स्किन से अच्छा एक ग्लोइंग आएगा, मतलब कि एक वाइब्रेशन ग्लोइंग आएगा कि मास्क मतलब स्किन के अंदर से शाइन आ रहा है वैसे दिखेगा मास्क, सही ना सर? मास्क सूखने से एकदम कोई मास्क आज तक मैं ऐसा कोई मास्क नहीं देखा कि सुखाने के बाद स्किन ज्यादा ग्लोइंग करता है। ये जो मास्क है बढ़िया मास्क है और ये मास्क उठाने के बाद स्किन उतना ही शाइन करता है जो शाइन हम पहले देखते हैं, मतलब ये अंदर से शाइन मास्क के ऊपर से दिखाना दिखता है। तो ये 10 मिनट तक रख सकते हैं। ये 10 मिनट में सर अगर कुछ हम लोगों को बताए तो अच्छा होगा, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं बात करने से ये ज्यादा हिल तो नहीं जाए? नहीं, ये मास्क हिलने से भी कुछ नहीं होता है सर। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैं जब लगाता हूँ आपके तरह से अच्छी तरीके से मैं लगा नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं जल्दबाजी में लगाता हूँ। बट जब लगाता हूँ वो इवेंटली करने का कोशिश करता हूँ, मगर मेरा उतना फिंगर आपके जैसा इतना स्मूथ नहीं है। बट करना इम्पोर्टेंट है। परफेक्शन लेके आना अलग बात है और कंटिन्यूअसली जो है इसका वो हमें इम्प्रूवमेंट लेके आना है, बट करना इम्पोर्टेंट है। आप जो है करते 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 देन यू विल लर्न। मैं खुद जब करता हूँ कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे थोड़ा मोटा हो गया, ऊपर जाता हूँ तो वहाँ पे थोड़ा पतला हो जाता है। तो आई एम ट्राइंग टू डू इवेंटली आपका जैसा। मुझे अभी दिख नहीं रहा है कि कैसा है, बट आई कैन फील कि आप जब प्रेशर दे रही थी कहीं पे जब मोटा हो रहा था तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ज्यादा दबा रही थी। सो आई फेल्ट दैट वन। अब नेक्स्ट टाइम पे मैं भी जब करूंगा आई विल कीप इट दैट इन माइंड, क्योंकि जिस जगह ज्यादा मोटा हो जाएगा, जिस जगह पतला रहेगा, तो इसमें ना टाइम मतलब टाइम तो हमारे पास बंधा हुआ है 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट में हर जगह सूख जाएगा, जहाँ मोटा रहेगा वहाँ पे सूखेगा नहीं। तो क्या होगा, उठाने के टाइम में जब हम मास्क हटाएंगे तो उस जगह से मास्क हटेगा नहीं, उस जगह रह जाएगा, वो गीला ही रह जाएगा। इसलिए इवेंटली लगाने से पूरा फेस एक ही तरह से सूखेगा। मेरा और एक क्वेश्चन है आपसे, आप तो इस फील्ड में स्पेशलिस्ट हो। मेरा ये क्वेश्चन है कि सोचिए मेरे पास टाइम कम है और मुझे उसे जल्दी सुखाना है, तो मैं फैन के नीचे बैठ सकता हूँ? यस, फैन के नीचे बैठ सकते हूँ। ओके, गर्म हवा दे सकता हूँ? ये जो हेयर ड्रायर है उससे हवा दे सकता हूँ? गर्म हवा दे नहीं सकती हूँ, ये गर्म से सूखेगा नहीं, ये गीला हो जाएगा और इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। और स्किन के साथ ये जब चिपकेगा तो स्किन के लिए हार्मफुल होगा ये। देखिए, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, मैं इसीलिए ये सब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको भी ये नॉलेज आए। बहुत टाइम पे क्या होता है कि हेयर ड्रायर में भी आप सुखाने का कोशिश करते हो, कुछ कुछ हेयर ड्रायर में ठंडा हवा भी निकलता है, देन उस केस में आप यूज कर सकते हो, मगर गर्म हवा आप इस पे यूज मत कीजिए। और एटलीस्ट आपका 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक आप हाथ में रख के ये पूरा काम कीजिए। कभी कभी भी फेशियल करने के टाइम में विंटर सीजन छोड़ के कभी भी फेशियल करने के टाइम में
गर्म पानी या गर्म कुछ फेस में यूज करना नहीं है। विंटर सीजन में हम लोग थोड़ा सा वर्म कर लेते हैं पानी को, वो भी अच्छा नहीं है, वो भी सही ना पर वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि स्किन बहुत फेशियल करने के टाइम में स्किन बहुत रिलैक्सेशन चाहते हैं, रिलैक्सेशन हो जाते हैं। अगर उसी टाइम में हम गर्म कुछ लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता है, वो जगह सेंसिटाइज हो जाता है, इसलिए गर्म छोड़ के हम लोग फेशियल के बाद सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं? सनस्क्रीन लगाते इसलिए कि जो फेशियल हमने दिया हम जब बाहर जाएंगे सूरज के साथ मैच हो जाएंगे तो मेरा स्किन में सूरज का जो वायलेट रश्मि है वो स्किन के अंदर स्किन के साथ टच नहीं हो पाए, होना नहीं चाहिए, इसलिए वो सनस्क्रीन क्या करता है स्किन को गार्ड कर देते हैं। स्किन जैसे सॉफ्ट लेके और मतलब सफल लेके हम निकले हैं फेशियल करके, सनस्क्रीन क्या करता है उसको सुरक्षित रख देता है। इसलिए फेशियल करने के बाद या क्लीन अप करने के बाद आप लोग सभी लोग ये सब ये चारों स्किन स्टेप करने के बाद सभी लोग सनस्क्रीन लगा के बाहर निकला, क्योंकि ऐसा नहीं है हो गया थोड़ा सा टोनर या मॉइस्चर लगा के निकल गया सनस्क्रीन नहीं लगाया, नहीं, ये स्किन के लिए बहुत खराब है, बहुत खराब है विदाउट सनस्क्रीन बाहर निकलना। मैं क्या करता हूँ, संडे चूज करता हूँ, संडे दोपहर को चूज करता हूँ, और खाना खाने के बाद जनरली लंच के बाद मैं करता हूँ, जनरली करने के बाद मैं बाहर तो नहीं निकलता हूँ, बट करने के बाद मैं अपना बेड के अंदर बैठ के बुक्स पढ़ता हूँ और पर्दा जो है बंद कर देता हूँ, तो मैं इसके बाद बाहर नहीं निकलता हूँ, घंटा दो घंटा तीन घंटा मैं बाहर नहीं निकलता हूँ, और मैं मेरा स्किन को थोड़ा सा रिलैक्स करने का वक्त देता हूँ। इन द मीन टाइम मैं अगर किताब पढ़ता हूँ तो आई यूजुअली स्पेंड दैट टाइम विद बुक्स या फिर मेरे बच्चे के साथ मैं टाइम बिताता हूँ। मेरा क्वेश्चन है एटोमी का जो इवनिंग केयर सेट है, चार सेट है, ये तो क्लीन अप सेट है, तो इसका नाम इवनिंग केयर क्यों हुआ? अच्छा, वो मुझे एक बार प्रोडक्ट मैनेजर को पूछना पड़ेगा एक प्लस मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं पूछ के ही बता सकता हूँ, मुझे लगता है कि इवनिंग टाइम में करने से आपका धूप का चक्कर नहीं होगा, और आप जब घर में पूरे दिन काम करते हो, पूरे दिन लड़के बाहर रहते हैं, तो इवनिंग में वापस आके उसी टाइम पे केयर करते हैं, तो इसीलिए शायद इवनिंग केयर नाम लिखा है। दो मैं HQ का जो बंदे है, जो पर्सन, जो इरेस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया हुआ है, उससे पूछ के मैं एग्जैक्ट मीनिंग बता सकता हूँ। मुझे एग्जैक्ट मीनिंग चाहिए, क्योंकि बहुत सारा क्लाइंट जो सैलून है जो वो लोग का बताना कि इवनिंग क्या है, तो इवनिंग में लगाना है तो दिन में मैं कैसे क्लीन अप करूं? तो मेरा ओपिनियन है, मैं जो उन लोगों को बताती हूं कि इवनिंग क्या जस्ट सेट का नाम है, क्योंकि कोई सेट का एक नाम दिया जाता है तो ये सेट का नाम इवनिंग क्या है, और ये इवनिंग क्या इसलिए दिया है जैसे इसमें पील जेल है, पील जेल करके हम लोग धूप में निकल नहीं सकते हैं, इसलिए शायद इसमें पील जेल और पील ऑफ मार्क्स है, शायद इसलिए इवनिंग केयर सेट दिया नाम रखा है। अगर सैलून में हम लोग करेंगे तो इवनिंग में, तो मतलब इवनिंग में ही करना है ये तो नहीं है, हम दिन में भी कर सकते हैं, इसलिए एटोमिका सनस्क्रीन जो है वो SPF 50 दिया हुआ है, और जो ग्लो बेस है वो SPF 30 दिया हुआ है। तो आप इवनिंग छोड़ के इवनिंग सेट को अगर दोपहर में या शाम मतलब सुबह भी करेंगे तो आप हम लोगों का जो SPF 50 और 30 है वो जरूर यूज करें, तो ये स्किन सुरक्षित रहेगा एकदम सही। आप सही बोल रहे हो, मैं सिर्फ जो है HQ के साथ कोरिया के साथ चेक करके बता सकता हूँ। एक और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोग बोलते हैं फेसियल, हर कंट्री में फेसियल वर्ड यूज नहीं होता है। हाँ सर, हाँ। और ज्यादातर हमारे देश में भी ऐसे ही है और दूसरे देश में भी, दिन भर जो है हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर आप अगर नॉर्मल काम करने वाले बंदे हो या फिर पर्सन हो या फिर हाउस वाइफ है, पूरा दिन बिजी रहती है, पार्लर अगर नहीं भी जाती है, जनरली दूसरे दूसरे कंट्री में पार्लर इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव होता है, यहाँ की तरह इतने चीप में नहीं होता है, हमारा 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000, 4000 में हो जाता है, मगर कोरिया जैसे कंट्रीज में
बाहर पार्लर में जाने से बहुत 6,000 से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए घर में हम लोग जो है कोरिया में दे यूजुअली टेक केयर ऑफ बाय देमसेल्फ, अपने खुद ब खुद करते हैं। अब खुद ब खुद करने का टाइम सिर्फ बचता रहता है इवनिंग में, क्योंकि बाहर दिन भर काम करते हैं, खाना खाना भी है तो वो तो बाहर ही जाना पड़ेगा या फिर घर में करना पड़ेगा, तो बिजी रहते हैं। तो हाउसवाइफ भी जो है दिन भर बिजी रहती है, इसीलिए मेरे ख्याल से इवनिंग इसीलिए रखा था कि हर काम खत्म होने के बाद मैं टेक केयर कर सकता हूँ मेरे स्किन का, इसीलिए इवनिंग केयर शायद रखा हुआ है। थैंक यू, ये भी मैं बता सकती हूँ, लेकिन सैलून को, सैलून लोगों को नहीं, सैलून लोगों को बोलो कि आपका इवनिंग तो हमेशा है, आपका दुकान है तो इवनिंग आपका हमेशा है, क्योंकि इवनिंग में ही थोड़ा आदमी रिलैक्स होता है, फैमिली में वापस आता है, काम करके वापस आता है, तो आपके यहाँ पे आ रहा है इसका मतलब है उसका काम छोड़ के या फिर काम खत्म करके आपके पास आ रहा है, इसका मतलब है उसके लिए आपका इधर इवनिंग ही है। अच्छा, आप क्या चेक कर रहे हो, ड्राई हुआ या नहीं? तो ये जो है आप खुद अगर कर रहे हो, मैं भी चेक करता हूँ, स्पेशली मैं जब करता हूँ कभी कभी किसी किसी जगह पे मोटे हो जाते हैं, मैं उस जगह को पहले चेक करता हूँ, उस जगह ड्राई नहीं होगा। ये मैंने जो लगाया पूरा इवेंट ही लगाया, और एक बात है सर जो बताया वो एकदम सही है, फिर भी हम लोगों को ये चेक बोन छोड़ के इधर जो है इधर जल्दी नहीं सूखता, इधर टाइम लगता है, ये सब जगह टाइम लगता है, 10 मिनट हो जाए फिर भी टाइम लगता है, जिसका नॉर्मल स्किन है उसको ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइड्रेशन यहाँ पर रहता है, पानी यहाँ पर रहता है स्किन में, तो जब हम लोग मास्क लगाते हैं पूरा जगह सूख जाते हैं, ये कान के सामने जो है ये जगह सूखता नहीं है, तो उस टाइम में सैलून में भी मैं देखी हूँ और हर टाइम में भी मैं भी करती हूँ, तो फेस को साइड करके ये जगह हवा लगाती हूँ ये जगह ड्राई करने के लिए, सब जगह ड्राई हो गया सर का, इस जगह अभी भी ड्राई नहीं हुआ, ये जगह ठंडा है अभी भी ड्राई नहीं हुआ, ये सब जगह कम सूखता है धीरे सूखता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जगह सूख गया आप जल्दी जल्दी उठाने लगा लेकिन ये जगह उठेगा नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ राजू, इट्स ओके अगर पता नहीं है तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, आदमी का आईब्रो क्यों दिया है? आईब्रो क्यों दिया है? आईब्रो का काम क्या है? पूरा सॉटिक आंसर तो नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ट्राई कर सकता हूँ, आपने जब क्वेश्चन दिया तो ट्राई कर सकता हूँ। सर एक्चुअली ये जो दिया है एक्चुअली एक लुक वाइज भी हो सकता है, मे बी लुक वाइज क्योंकि फालतू देखने में लग सकता है, क्योंकि अगर मैं बहुत सारे आदमी को देखा कि अगर ये यहाँ पर ना हो तो लुक एक दूसरा टाइप पर देखने में लगता है, और ये एक्चुअली आइस के लिए बचाने के लिए हमारे आंखों को सेफ रखने के लिए हो सकता है मे बी, क्योंकि हमारे आंख में कोई कीचड़ ना आए, इसलिए अगर यहाँ पर भी अगर बाल है तो यहाँ पर भी आया है, तो इसके भी कुछ रीजन है, जैसे नाक में है उसके लिए भी रीजन है, तो इसी तरीके से ये कुछ हमारे स्किन पे इस जगह पर कोमल जगह है, कोई प्रॉब्लम ना हो आंखों के आसपास में, इसीलिए हमको लग रहा है पूरा के और ये दिया हुआ है। ओके, गुड, हाँ बताइए प्लीज। मेरा जितना जानकारी है ये जो आईब्रो दिया हुआ है ईश्वर ने, जब हम लोग मतलब चलते हैं या सोते हैं कोई भी टाइम में, अगर ऊपर से कुछ मेरे आंख में ना गिरे इसलिए आईब्रो का कवर है, आईब्रो का कवर होने से मेरा आंख बहुत मतलब सुरक्षित रहता है, तुरंत ऊपर से कुछ गिरे सर से या सर में गिरा है वो मतलब गिरते गिरते आंख के सामने आ जाए तो ये हमको आंख को ये कवर कर देता है। आप दोनों का आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट है, ऑलमोस्ट करेक्ट है, एक्चुअली आंख में गिरने के लिए आईब्रो नहीं आईलैश काम करता है, ये वाला जो है हमारा कोई भी चीज आता है तो आईलैश उसको प्रोटेक्ट करता है इसी, बट ये आईब्रो जो है आईब्रो का मेन काम है पसीना अगर इधर से आता है तो उसको यहाँ पे पकड़ के इधर से निकालता है, अब पसीना आने के बाद इधर से निकाला तो आप ही के पास में फिर से वापस जा रहा हूँ, इधर से निकाला तो पसीना जो है ज्यादातर यहाँ चला जाता है,
ठीक है, इसीलिए ये जगह वेट ज्यादा रहता है। सेकंड जो है ये जगह में हमारा बोन ज्यादा रहता है, इसको जॉ बोन बोलते हैं, जॉ बोन, और इसमें ज्यादा चमड़ा और ज्यादा मसल्स नहीं है इस तरह मसल, और इस रीजन के वजह से यहाँ पे ज्यादा वेट रहता है। तो आप ही का जो टॉपिक आपने बताया उसी के लिए मैं आईब्रो पे वापस गया। तो ये हमारे गॉड ने जो बनाया हुआ है ये बहुत ही सोच समझ के बनाया हुआ है हमारा बॉडी, हमारा हर बॉडी का एक एक फंक्शन है और हमें खुद पता नहीं होता है कौन सा क्या फंक्शन हो रहा है। ड्राई हो गया, अभी इसको हम वाइप अप करेंगे। तो वाइप अप करने के टाइम में चेक करना है फिर से ये ड्राई हुआ या नहीं हुआ। ऊपर से इसको वाइप अप करना नहीं है, जेंट्स हो या लेडीज हो कभी भी ऊपर से वाइप अप करना नहीं है, नीचे से इसको वाइप अप करना है धीरे धीरे से। ऊपर से करने से क्या होता है, स्किन नीचे मतलब सैगिंग की सैगिंग स्टाइल हो जाता है, ऊपर से खींचने से स्किन नीचे से नीचे की तरफ आ जाता है। ये बार बार हम करेंगे तो स्किन लूज हो जाएगा, इसलिए नीचे से मतलब नीचे से हम ऊपर लाएंगे तो स्किन टाइटनिंग रहेगा, स्किन में कोई सैगिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी हम लोग इसको धीरे से यहाँ से इसको देखिए यहाँ से ये छूट गया, ठीक है, ऐसा नहीं ये ड्राई हो गया अभी यहाँ से जल्दी जल्दी इसको खींच के निकालना है, यहाँ से लूज करना है। अगर आप खुद अकेले करेंगे तो मिरर देख के धीरे धीरे पूरा मार्क्स को नीचे से, मुझे लगता है कि महीने में एक बार मुझे आना ही पड़ेगा इस तरह। आइए सर इसी तरीके से हम लोग को भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप आएंगे तो बहुत सारे लीडर जो है बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि आप आकर के पर्सनली आज आप लोग से मिलने के बाद में और आपसे जो पर्सनली आज सीखने के लिए हमारे मेंबर को हमारे जितने भी कॉलिक हैं उनको सीखने के लिए मिला। मैं तो कोशिश करूंगा सर महीने का एक बार नहीं हर फोर्टनाइट में अगर आपका टूर लगे तो फिर भी कलकत्ता के लिए अगर बन सके तो दिखिएगा सर हमारे, तो मैं बहुत खुश रहूंगा सर। हंस नहीं पा रहा हूँ, पूरा स्किन यहाँ से यहाँ तक मैं मार्क्स को स्किन से अलग कर दिया, अभी आप मार्क्स को जल्दबाजी नहीं धीरे 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 उसको वाइप अप करना है, धीरे धीरे उसको उठाना है। जैसे मुझे आने से आप लोग खुशी हुआ है वैसे ही आपके टीम मेंबर के पास आप अगर उनके साथ बैठते हैं स्पेंड करते हैं टाइम उनको भी खुशी मिलता है। यस सर। तो आप देखिए अपलाइन में आपका चूज करने में हाथ नहीं है बट आपका डाउनलाइन में कंट्रीब्यूशन रहता है, तो आपके टीम मेंबर के साथ आप ज़्यादा टाइम बिताइए उनको भी अच्छा लगेगा जैसे आपको अच्छा लग रहा है मेरे साथ। यस सर। ये देखिए मार्क्स, ठीक है, पूरा फेस जैसे मैंने लगाया वैसे ऊपर आ गया। यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, इस वक्त पे पानी कभी भी यूज नहीं कीजिए, यहाँ पे अगर कुछ लगा भी है कहीं पे कुछ उस जगह में आप पानी जरा से भी टच नहीं कीजिएगा, अगर लगा हुआ है आपको उठाना है तो टोनर देके कीजिएगा, पानी का इस्तेमाल इस टाइम पे कभी नहीं कीजिएगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर जहाँ लगा हुआ है वहाँ टोनर लगा के कॉटन यूज करो। एग्जैक्टली, और इस सिचुएशन में आप खाली मत छोड़िएगा, अच्छा इस सिचुएशन में पूरा फेस को एक बार टोनर देके पोंछ दीजिएगा। अच्छा
उसको ऐसे भी छोड़ सकते हो धीरे धीरे सूखने के लिए। जहाँ पर लगा हुआ हाँ, है उसको मुझे वाइप अप करना है। ज्यादातर हम लोग इस टाइम पे और एक बार ठंडा पानी देके पोंछ देते हैं, क्योंकि हमारा पोर अभी खुल गया है पूरा और जितनी भी इनमें डस्ट था वो निकल गया है। अगर इस टाइम पे आप पानी यूज करोगे वो पानी जितनी भी अच्छा हो उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया हो सकते हैं, उसमें बहुत सारा डस्ट हो सकता है। आप जो यूज करोगे उसके थ्रू देके उस जो खुला हुआ हमारा उसके अंदर चला जाएगा। तो इस टाइम पे पानी आप ना यूज करें, और इस टोनर यूज करने से वो टोनर में वो जगह भर जाएगा। और आपको पता है कि टोनर जो है थोड़ा सा क्यूरिंग क्वालिटी उसमें रहता है, राइट? हाँ, इसीलिए बहुत टाइम पे जो है शेव करने के बाद भी टोनर यूज करते हैं बहुत, तो टोन कर देता है स्किन को। अब ये टोनर यूज करने के बाद जो है आपका स्किन को टोन करके और भी बेहतर कर देगा। आप हाथ मत लगाइए और हमेशा एक्सपर्ट से सीखिए। एक्सपर्ट से ही हम लोग सीख सकते हैं। अर्जुन भी जो था किससे सीखा था? नहीं, बाण चलाना, राइट? राइट, एकलव्य जो था वो उससे सीख नहीं पाया तो उसको ये मूर्ति लगा दिया, राइट? याद है? यस। तो इसीलिए सीखना जो है गुरु से ही सीखना चाहिए। सर ये टोनर तो लगाया, हम पूरा स्टेप कर दे? हाँ कर दीजिए। एब्सोल्यूट का? हाँ कर दीजिए। तुम्हारे फोन से एक बार कॉल। अच्छा, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है क्योंकि इसके बाद हमारा और एक एक्टिविटी है। तुम जाके एक बार बात करो। तो ये हमारे लिए, मैं और लकी हूं कि मैं विदाउट एनी कॉस्ट एब्सोल्यूट कर रही हूँ। पहले तो मेरा फेशियल हुआ और मैं रियली धन्यवाद बताना चाहूंगा, देना चाहूंगा कि आप एब्सोल्यूट मेरे फेस पे जो है यूज कर रहे हो, जो कि मैं खरीदा नहीं हूँ, इन लोगों ने खरीदा है और मेरे फेस पे यूज कर रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल। मुझे खुद खरीद के जो है मेरे फेस पे लगाना चाहिए। और मैं सर के ऊपर एब्सोल्यूट करके मैं खुद खुश हूँ। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि ऐसा स्किन के ऊपर मैं एब्सोल्यूट कर रही हूँ जहाँ से एब्सोल्यूट स्टार्ट हुआ है। अभी मैं लगा रही हूँ एब्सोल्यूट का एम्ब्यूल्स, टोनिंग किया है, टोनिंग कर लिया, अभी लगाती हूँ एब्सोल्यूट का एम्ब्यूल्स। इसका काम है फाइन लाइन्स को इनविजिबल करना। इसका काम है जहाँ जहाँ पे आपका फाइन लाइन्स आ गया वो फाइन लाइन्स को और मतलब एक्टिव कर दे। यहाँ पे जितना सेल डेड हो गया, डेड होके जितना लाइन आ जाता है उस डेड सेल को वो एक्टिव कर देता है, रीजेनरेट कर देता है। तो इसलिए एम्पूल्स लगाना बहुत जरूरी है आफ्टर 35। अभी तो इसका जो हम लोगों का जो एनवायरमेंट है 35 नहीं लगता है, 20 में ही बुरी हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, आफ्टर 35 हम लोग यूज करना हम लोगों को बहुत जरूरी है। ये ऑल टाइम स्किन को रिजेनरेट करता है, सेल को रिजेनरेट करता है, सेल को एक्टिव करके रखता है। स्किन में एज जितना एज उस टाइम में, ये अगर आप एब्सोल्यूट का ये एम्पूल्स यूज करेंगे तो आपके पास एज जस्ट नंबर हो जाएगा, जस्ट आपके लिए एज नंबर हो जाएगा। स्किन एकदम बराबर आपको, आप जैसा रखना चाहते हैं स्किन को वैसा ही स्किन रहेगा। तो हम अभी लगाते हैं एम्पूल। आपको मैं और एक चीज बताना चाहूंगा,
पेटेंट तो आपको पता होगा, हर एक चीज का पेटेंट होता है, जो यूनिक चीज होता है, जैसे हमारे सैमसंग फोन का पेटेंट है बहुत सारा। सैमसंग में जब आप बोलते हो एक एक पुर्जे के लिए, उसके सॉफ्टवेयर के लिए पेटेंट बनता है। पेटेंट इसीलिए बनता है कि आपका कंपनी का ये यूनिक प्रोडक्ट है और ये दूसरे कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, इसीलिए पेटेंट का गवर्नमेंट का एक ऑफिस होता है, वहाँ पे फाइल किया जाता है। ओके, जैसे हमारा हेमोइन पे भी पेटेंट है बहुत सारा कंट्री पे, वैसे ही एब्सोल्यूट के ऊपर भी हमारा पेटेंट है। और ठीक दो साल पहले, ठीक दो साल पहले हमें इस पेटेंट के ऊपर रैंकिंग होता है। और कोरिया ऐसे एक कंट्री है जहाँ पे पेटेंट बहुत फाइल किया जाता है, टॉप 5 कंट्री में वर्ल्ड में आता है, और साल में 30,000 पेटेंट फाइल होता है। इसका मतलब है आप सोच लो, सैमसंग, एलजी, किया, ह्युंडे, पोस्को, जितने सारे मैं जो कंपनी बोल रहा हूँ कोरियन कंपनीज हैं, और ये लोग कितने सारे पेटेंट करते हैं, बड़े बड़े सैमसंग भी पेटेंट फाइल करते हैं, और उस पेटेंट फाइल में गवर्नमेंट उसमें रैंक करता है कौन सा पेटेंट सबसे अच्छा हुआ कर। जैसे एक क्लास में 1st, 2nd, 3rd होता है, वैसे ही उतने पेटेंट का डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में पेटेंट का रैंकिंग करते हैं और उसको अवार्ड मिलता है। आपको जान के हैरानी होगी कि एब्सोल्यूट को वन ऑफ द बेस्ट पेटेंट अवार्ड मिला है, किंग सेजोंग पेटेंट अवार्ड करके बोलते हैं, वो टॉप मोस्ट पेटेंट अवार्ड को ही मिलता है। और ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में पहली बार है कि हमें पेटेंट मिला है, और आई एम प्राउड ऑफ इट, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में। और एक चीज आपको बताता हूं, आपको पता है रॉकेट कैसे छोड़ते हैं आसमान में, पता है नीचे, मतलब रॉकेट के नीचे आग लगाया जाता है, राइट। आपको ये भी पता है कि रॉकेट का बहुत सारा अंश जो है ऊपर पहुंचते पहुंचते निकल जाता है, हाँ। गिर जाता है वो, और उसमें से अंत में जाके एक इम्पोर्टेंट पार्ट पहुंचता है महाकाश में, राइट, हाँ। राजू पता है? यस सर। तो वैसे ही हमारे स्किन में अंदर अगर पहुंचाना है कुछ, बाहर लगा के तो आप स्किन को थोड़ा सा देर के लिए कर सकते हो, मगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्किन के अंदर से ग्लो लेके आता है, राइट। तो उसको अगर पहुंचाना है तो रॉकेट के तरह मुझे स्किन का एकदम थोड़ा डीपर भी पहुंचाना पड़ता है। इसीलिए वो टेक्नोलॉजी यूज किए हैं कि एक किस्म का जो है जो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसे रॉकेट के जैसा भेजते हैं, महाकाश में जैसे भेजते हैं, तो इसीलिए वो स्किन को अंदर से ग्लो करता है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी हम लोग यूज किए हैं। इसमें तो सर ये भी है कि धोनी का प्रोडक्ट पूरा 7 लेयर तक जाता है, इसीलिए जाता है, हाँ। क्योंकि वो महाकाश के तरफ सोचिए, उसमें ऐसे करके हम लोग रखे हुए हैं कि वो अंदर ऐसे 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 करके चला जाता है, तो दैट्स व्हाई 7 लेयर तक जाके वो काम करता है। अब तो देखिए, अब उसके बाद मैं सीरम लगाई हूँ एब्सोल्यूट का। अब सर बात करते थे, मैंने नहीं बताया एब्सोल्यूट का सीराम का काम है जो स्किन एब्सोल्यूट का काम क्या है, एंटी एजिंग एंड पिगमेंटेशन, एक साथ दो प्रॉब्लम को कवर करता है। तो एम्पूल जो है वो एंटी एजिंग का कवर करता है, और सीराम जो है सुपरफेशियल लेयर में जो पिगमेंटेशन का स्पॉट है उसको अंदर में लेके छुपा देते हैं। पिगमेंटेशन कभी जाता नहीं है, पिगमेंटेशन कभी खत्म नहीं होता है, पिगमेंटेशन शुरू ही होता है एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस लेयर से, मतलब हाइपोडर्मिस लेयर से जो स्किन डैमेज हो जाता है वो स्किन कभी भी ठीक नहीं होता है। उसको आप अंदर से अंदर में बंद करके रख सकते हो, ऊपर में उसको आने नहीं दे सकते हो। वही प्रोडक्ट ही एब्सोल्यूट का सीरम, वो सीरम मैंने लगाया एब्सोल्यूट के एम्पूल्स के बाद। इसमें देखिए कोई प्रोडक्ट में पानी नहीं लगाना है, इजीली देखिए सीरम दिया, एम्पूल दिया, पूरा स्किन में बैठ गया। आप भी करेंगे अंडर आई क्रीम, आई सॉल्यूशन देना है, आई क्रीम भी आपको लगाना है रिंग फिंगर में, ऐसा कोई फिंगर में नहीं, रिंग फिंगर में, क्योंकि आई बहुत सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है, इस फिंगर में प्रेशर ज्यादा आ जाता है। आप कभी भी
मतलब ट्राई करके देखेंगे कि हम रिंग फिंगर में नहीं करेंगे, इस फिंगर में करेंगे। इसमें जितना आप हल्का प्रेशर देना चाहते हैं उतना भी हल्का प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि इस फिंगर में ज्यादा प्रेशर आ जाता है। कभी भी आप ट्राई कर मैंने करके भी आप दे नहीं पाएंगे, लेकिन रिंग फिंगर में आप जितना ट्राई करेंगे कि ज्यादा प्रेशर देने के लिए, ये ज्यादा प्रेशर देता नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट प्रेशर देता है। इसलिए आई का जो मसाज है ऑल टाइम रिंग फिंगर में करना है। घर में भी हम लोग करें तो रिंग फिंगर से ही करना है। कोई ऐसे आर्गू कर सकता है कि मैं ये फिंगर में भी तो कर सकता हूँ? नहीं, उस फिंगर से नहीं होगा, क्योंकि वो मतलब छोटा है और शार्प है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको जैसे करते करते कोई जगह लग जाएगा। ये जो है आई के लिए सुरक्षित फिंगर है। तो इसका मतलब है इस फिंगर को आपके पास कंट्रोल कम है। कंट्रोल कम है इसको, ये देखिए फेशियल में ज्यादा काम भी नहीं होता है, हाथ में रहता है लेकिन काम भी नहीं होता है। खोल रहा हूँ मैं। ये आई क्रीम क्या करता है, आई क्रीम का काम है आई का डिहाइड्रेशन कम करना, आई में डार्क सर्कल होता है वो कम करना, पाफीनेस होता है वो कम करना, और जो क्रॉस पीस मतलब आई के नीचे जो दाग आ जाता है वो कम करना। ये लगा के सोने के टाइम में अगर ये लगाएंगे तो बहुत अच्छा नींद होता है, बहुत अच्छा। मुझे तो वैसे ही नींद आ रहा है। आपका प्रेशर वन ऑफ द बेस्ट प्रेशर है। मैंने 25 कंट्री से ज्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ। yes. और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ आई ट्राई टू डू सर्टेन काइंड ऑफ फेस मसाज, और मैं वो एक्सपीरियंस करता हूँ। बट बहुत सारा देश में देखा है, मगर आपका जैसा प्रेशर इतने सॉफ्ट वाला बहुत कम मिला है। तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट। और ज्यादातर जो मेल होते हैं फिर भी विमेन जो होते हैं हमारे जो माँ और बहनें होते हैं फिर भी वो जो है पेन में पूरे लगाते हैं सेट्स एक के बाद एक, या फिर एब्सोल्यूट में जो है वन बाय वन वो लोग यूज करते हैं। स्पेशली जो लड़के होते हैं उनके इतने पेशेंस नहीं होते हैं। जो राजू सिंह मेरे लेफ्ट में बैठा हुआ है वो हंस रहा होगा क्योंकि पेशेंस इसका, और कैमरा के उस तरफ भी जो है वो हंसी सुनाई दे रहा है मुझे। कोई कोई जोर से नहीं हंस रहा है, स्माइल भी कर रहे होंगे जो हमें वॉच कर रहे हैं। बट एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको अगर अच्छा शरीर मिलना है तो जैसे योगा का हर चीज़ इम्पोर्टेंट है करने के लिए, और आपको वक्त भी करना पड़ेगा, खाना भी सही तरीके से लेना पड़ेगा, वैसे ही आपको अगर अच्छा स्किन आपको पाना चाहोगे तो आपके लिए आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। आप बताइए, आप लोशन दिए हुए प्लीज़। ये जो आई क्रीम हो गया, अभी स्किन में मसाज चाहिए क्योंकि मैं फेशियल कर रही हूँ, ठीक है। आप घर में करेंगे तो आप ऐसे ही थोड़ा सा लोशन लगा लीजिए। लोशन लगाने का काम मतलब है ये वाटर बैलेंस करता है, स्किन में हाइड्रेशन का बैलेंस कर देते हैं। क्रीम है न्यूट्रिशन का काम करता है, क्रीम में ऑयल बैलेंस करता है, लोशन क्या करता है स्किन में वाटर जो काम मतलब फेशियल करने के समय वाटर का जो कमी रहता है ये लोशन उसका काम कर देते हैं। और फेशियल के टाइम में जो जिस लोगों का नॉर्मल स्किन है या ऑयली स्किन है उन लोगों के लिए क्रीम से ज्यादा लोशन का काम अच्छा होता है, क्योंकि क्रीम ज्यादा डिप होता है, ज्यादा थिक होता है, तो उसमें अगर ऑयली स्किन हो या नॉर्मल स्किन हो उन लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होता है, रैश आ जाते हैं, उसको थोड़ा चिपचिपाहट होता है, उसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। इसलिए एटोमी में लोशन अलग, लोशन और क्रीम अलग अलग करके दिया। और मसाज करने के टाइम में हम लोग यूज करते हैं क्योंकि क्रीम कम मतलब ठीक है, उसलिए क्रीम देके ज्यादातर मसाज नहीं किया जा सकता है, इसलिए क्रीम के साथ हम लोग लोशन देके मसाज करते हैं कि वो मसाज अच्छी तरह हो जाता है और सही ढंग से हो जाता है। तो ये सर कुछ बोलेंगे? नहीं नहीं, मैं आई एम सॉरी टू ओपन माय माउथ। हमारे जो इंग्लिश
स्पीकिंग ऑडियंस है जो हम लोग देख रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके लिए भी जो है हम लोग इंग्लिश में और एक सेशन हम लोग करने वाले हैं, तो आज सिर्फ हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं, सॉरी फॉर टुडे, प्लीज आप जो है अभी न्यूट्रिशन क्रीम लगाए। न्यूट्रिशन क्रीम लगाया, ज्यादा नहीं लगाया, इतना सा ही लगेगा, आप घर में भी लगा सकते हैं ऐसे, और फेशियल करने के टाइम में भी ऐसा ही लगता है। ये न्यूट्रिशन क्रीम मतलब न्यूट्रिशन नाम क्यों दिया है ये मैंने देखा गूगल में, न्यूट्रिशन दिया है इसलिए क्योंकि हम लोगों को बॉडी में न्यूट्रिशन, हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं किस लिए, बॉडी को एकदम सही तरह से रखने के लिए, स्ट्रांग रखने के लिए, कि प्रोटीन विटामिन मिनरल सब जाता है न्यूट्रिशन के अंदर, तो स्किन के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। इसलिए एटॉमी इंडिया ने ये क्रीम, इंडिया में कोई क्रीम का क्रीम में न्यूट्रिशन लिखा नहीं है, उसमें डे क्रीम नाइट क्रीम ऐसा लिखा है लेकिन न्यूट्रिशन लिखा नहीं है। और मैंने एटॉमी में देखा है कि एटॉमी का क्रीम में कोई नाइट क्रीम डे क्रीम नहीं है, न्यूट्रिशन लिखा है, मतलब स्किन के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, मेरा फेस के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन स्किन में भरपूर है, इसलिए स्किन का नाम दिया हुआ न्यूट्रिशन क्रीम, एम आई राइट? अगर रॉन्ग हो तो आप थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दीजिएगा। और ये क्रीम में क्या है, इस क्रीम में इतना मतलब इतना क्रीम है, इतना मतलब आपका स्किन को एनहांस करने के लिए प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो प्रोडक्ट स्किन के अंदर जाके आपका हर एक सेल को वो एक्टिव कर देता है, हर एक सेल में वो जान ला के देता है कि कोई सेल आपका अंदर में जो डेड हो गया, जो ड्राई हो गया, वो सेल को ड्राई करने नहीं देते, वो सेल को जाके अंदर में जाके वो खाना देके उसको फिर से जान मतलब त्वचा ये कर देते है, फ्रेश कर देते है, उसको उसमें जान ला के देते है। तो क्या जान लाने से क्या होता है, उसमें एक्टिवनेस आ जाता है, और एक्टिवनेस आने से उसको क्या होता है, वो तो रिंकल्स आता है, वो सैगिंग आता है, वो सब नहीं होता है, इलास्टिक कोलाजिन जो लूज हो जाता है वो सब नहीं होता है। तो ये न्यूट्रिशन क्रीम अब देखिए कितना इजीली स्प्रेड होता है, और इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, और एक बात है इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो है मेरा एजिंग स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। एजिंग स्किन के लिए जितना हम लोग का एज बढ़ता है उसमें क्या होता है, हम लोग को मॉइस्चर लॉस हो जाता है, अंदर से मॉइस्चर लॉस हो जाता है, तो ये हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, हम लोग को स्किन के अंदर भरपूर मॉइस्चर और क्रीम एक साथ करके मतलब दे देते हैं। ये हाइलुरोनिक एसिड से हम लोग को स्किन ड्राई नहीं होता है, स्किन में एजिंग भी नहीं पड़ता है। सर अगर भूल हो तो थोड़ा सा सही कर दीजिए। हाइलुरोनिक एसिड जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर टाइटनेस ऑफ द स्किन, और कभी कभी एचए उसे बोलते हैं, उसका इंजेक्शन भी आता है, फिलर भी लगता है, फिलर में लोग यूज बहुत सारे जगह में यूज भी होता है। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट है उसको फार्मेंट किया जाता है या फिर नेचुरली हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, फार्मेंट करके उसका इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर डायरेक्टली नेचुरली एक्सट्रैक्ट करते हैं। ग्रीन टी भी है इसमें बहुत सारे फ्लावर्स एक्सट्रैक्ट है, नेचुरल चीज इसमें भरपूर है। तो ये आप लगाने से जितनी भी हमारे एब्सोल्यूट चीजें हैं उसको सही तरीके से एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रिजर्व करके हमारे स्किन तक पहुंचा के डीपर स्किन में पहुंचाने का टेक्नोलॉजी यूज किया हुआ है। सो यही वजह से जो है हमें वन ऑफ द बेस्ट पेटेंट अवार्ड मिला हुआ है। तो ये प्रोडक्ट हमें गिफ्ट है, हमें जैसा वरदान मिलता है, दिस इज एटॉमी का वन ऑफ द बेस्ट 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 प्रोडक्ट। और इसको हम लोग अगर यूज नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए जाया है। भगवान ने आपको एक वेपन दिया है, एग्जाम्पल आपको इतने अच्छे सूरत दिया है तो आपको टेलीविजन में जाना चाहिए ना, एग्जाम्पल या फिर आपको बोलने का इतना क्षमता दिया है तो फिर आपको बोलना चाहिए ना। आपको अगर कुछ गिफ्ट मिला है उस गिफ्ट को यूज ना करते हैं तो वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स बोलते हैं। तो हमें जब इतना अच्छा गिफ्ट मिला है अगर उसे यूज नहीं करते हैं तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। राजू सिंह। यस सर, एकदम सही सर। प्रोडक्ट को जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक सच में डेफिनेटली सर हम इसके बारे में खासियत नहीं बता सकते, जैसे आपने बताया जितने सारे खासियत। तो ये रियली हम लोग सुने जाने चीज को जानने से महसूस किए कि हमारे फेस पे क्यों जरूरी है। तो मैं इतना ही बताऊंगा कि ये रेगुलर बेसिस में ना भी हो
तो वीकली कम से कम एक दो बार तो 100% अपने चेहरे पे ये करना पड़ेगा, अपने फेस पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एजिंग नहीं दिखना है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा एजिंग हो रहा है बट मुझे वही फील यंग वाले फील या आफ्टर 20, 25, 30 तक जो चेहरे का रंग रहता है या उसका त्वचा रहता है वो त्वचा मुझे चाहिए, तो एब्सोल्यूट 100% आपको यूज करना पड़ेगा। और बीच बीच में वीकली कम से कम एक बार भी हो तो इवनिंग केयर सेट पूरा यूज करना पड़ेगा, तो 100% समझ में आ गया सर। थैंक यू। और डॉली मैम जो अभी कर रही हैं वो लिम्फ को एक्टिवेट करने का कोशिश कर रही हैं, स्प्रेड करते वक्त भी हमारे फेस में और हमारे बॉडी में बहुत सारा लिम्फ होता है, आप उसको जितने एक्टिवेट करोगे देन आपका इम्यूनिटी भी बढ़ेगा। तो आपका मसाज से सिर्फ आपके स्किन नहीं आपके बॉडी के इम्यूनिटी भी बढ़ता है, सो इट इज गुड फॉर हेल्थ इनसाइड एंड आउटसाइड। और हमारे जितने भी एजुकेशन सेंटर है आपका सेमिनार में आप लोग एग्जीक्यूट करते हो मुझे पता है, बट इस किस्म का प्रैक्टिकल चीज हर दिन अगर आप दिखाते रहे, हर दिन आप करते रहे, तो देन पीपल को नॉलेज मिलेगा, एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा, एंड देन तभी आपका स्किन भी अच्छा होगा, ग्लो होगा, एंड देन आप दूसरे से जब मुलाकात करोगे, अरे आपका स्किन तो बहुत अच्छा है, क्या सीक्रेट है? एब्सोल्यूट सही इवनिंग केयर, राइट सर, द फेम। तो वो खुद आपसे पूछेंगे कि अरे आपने क्या कर दिया, आपके फेस को इतना अच्छा कैसे किया। और एक आप लोग जो देख रहे हैं उनसे मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि आज कोलकाता में हमारा सेंटर मीटिंग एंड एक्टिविटी करने के बाद हम लोग कल मणिपुर जाने वाले थे, बट मणिपुर में सिचुएशन कुछ स्टेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग मणिपुर का जो है सेमिनार कैंसिल कर चुके हैं। और हमारे जो कोरियन गेस्ट से थे आए हुए थे कोरिया से इंपीरियल मास्टर होंग जोंगू और बाकी के जो लीडर्स थे वो भी जा नहीं पाए मणिपुर, एंड इस वजह से सब कैंसिल होने के वजह से उन्होंने पहले टिकट का को थोड़ा सा प्रीपोन किया और आज जो है कोरिया के लिए निकल रहा so आप हाँ कैंसिल हो गया, आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद जो है मणिपुर में आना चाहता, आपका ऑलमोस्ट डन है, मसाज कंप्लीट हो गया, अब ग्लो बेस और इसको मिक्स करके 1:1 ग्लो बेस सनस्क्रीन एंड बीबी वो 1:1:1 में आप मिक्स करो, देन 1:1:1 में एक्चुअली मेरा स्किन कलर आता है इसीलिए मुझे पता है, एक पोर्शन करके मिक्स करके उसे मुझे लगाओ, देन वो स्किन कलर के ऊपर टोन जिसका स्किन कलर है उसमें जिसका पकड़ो सफेद है उस पर ग्लो बेस थोड़ा ज्यादा दो,
क्योंकि वो स्किन कलर के साथ मैच हो जाएगा। मेरा स्किन कलर 1:1:1 में देने से मेरा स्किन कलर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो आपके पास अगर बीबी क्रीम, सन क्रीम बेज एंड अगर ग्लो बेस है तो सेम अमाउंट लेना। हाँ, सेम अमाउंट लेना, लेने से मेरा स्किन कलर आ जाएगा। मैं हमेशा ऐसे यूज करता हूँ। अगर मैं फिर से बोलना चाहूंगा, अगर आप यूज नहीं करते हैं इस तरीके का तो यू आर मिसिंग समथिंग। ट्राई कीजिए एक बार। मुझे मुझे पता है, मैं कल भी सेमिनार में ऐसे ही मेकअप करके आया हुआ था। हम खुद नहीं करेंगे तो एक नया चीज सीखने के लिए मिला कि एक्चुअली हम लोग क्या होता था, एब्सोल्यूट यूज करने के बाद में आइदर बीबी क्रीम आइदर हम जो है सनस्क्रीन लगाने के बाद में ग्लो बेस लगाते थे, लेकिन अलग अलग लगाते थे, लेकिन एक साथ में आपको सही तरीके से एकदम सही। हाँ, ये मेरा स्किन कलर है। तो एक साथ में तीनों सेम क्वांटिटी में लेकर के दोस्तों उन्होंने अभी उनके फेस पे यूज करवाया, क्योंकि उनको मालूम था ये हम लोग एक नया टेक्निक या नया प्रोसेस हम लोग सीखे, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मतलब टाइम भी सेव होता है अलग अलग मसाज करने से, एक साथ में लेकर के अगर मिक्स करके करते हैं तो टाइम भी सेव होता है और चेहरा पर निखार भी आता है। तो रियली बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और आपका स्किन अगर थोड़ा सा डार्क है तो बीबी क्रीम का पोर्शन उसमें बढ़ा दीजिए, क्योंकि बीबी क्रीम इटसेल्फ इज अ बिट डार्क। हाँ, तो जनरली जो है अगर आपका स्किन थोड़ा सा बहुत फेयर है तो आप बेज के जगह में व्हाइट सन क्रीम भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, बेज की बेज छोड़ के। हाँ, बेज छोड़ के जिसका स्किन बहुत फेयर है तो वो व्हाइट के साथ बीबी क्रीम एंड ग्लो बेस अगर दोगे तो फिर वो बहुत ही अच्छा चेहरा खुल के आएगा। आप ऐसे करके एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि इस टाइप का स्किन कलर होने से मुझे किस टाइप किस पोर्शन में मिक्स करना है, वो आप स्किन देख के बाद में आप बता सकते हो अच्छा इस पोर्शन में मिक्स कर दे तो होगा। ये कहीं पे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप दोनों भी मिक्स कर सकते हो, जैसे कि बीबी क्रीम और ग्लो बेस भी मिक्स कर सकते हो, या फिर दो मिक्स कर सकते हो, या फिर खुद बीबी क्रीम भी कर सकते हो। बट आई फाउंड आउट कि मेरा फेस एंड एवरीथिंग कम्स वेरी नाइसली अगर मैं ये तीन मिक्स करता हूँ और 1:1:1 उसने मैंने ट्रायल एरर के थ्रू देके किया हुआ है। ऐसे नहीं है कि मुझे कोई बता दिया था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है। वैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, यू आर लीडर, ये चीज मुझसे ज्यादा आपको पता है। और आप अगर खुद लगाओगे तो आपको एक नया नया डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखने को मिलेगा। वो चीजें जब आप टीम को बताओगे वो भी नया चीज आपको बताएंगे। सो क्योंकि हम लोगों को ये वी आर सेलिंग राइट, तो मुझे अगर प्रोडक्ट यूज करके अगर ये सब चीज नहीं पता होगा। सर ये जो नया चीज सीखा मैंने तो बीबी क्रीम टच ही नहीं करते क्योंकि इतना डार्क है। दो तीन जगह फेशियल करने के बाद उनको लगा कि स्किन में थोड़ा सा पेन लुक आ गया। इस डर से हम बीबी क्रीम निकालते नहीं है। अभी लगा सकते हो? हाँ एकदम। तो जिसका फेयर स्किन है उसको आप बेज जो है, बेज जो हमारा सनस्क्रीन है मत दीजिएगा। बेज हाँ। उसके साथ जो अगर आपके पास व्हाइट सनस्क्रीन है आपके पास? नहीं अभी नहीं है। अभी ना, है तुम्हारे पास व्हाइट के साथ? क्या करेंगे आप बता दीजिए। अब व्हाइट के साथ बीबी क्रीम एंड ग्लो बेस करोगे ना तो वो व्हाइट स्किन के ऊपर ज्यादा मैच होगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका कलर जो है आप वो मैच करके ना एक एक जगह पे जब मिक्स भी करोगे, अनइवनली मिक्स करोगे तो आपको दिख जाएगा किस जगह पे है। अच्छा। और आप स्किन टच करते 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 मुझे लगता है जैसे आपका स्किन है हमसे थोड़ा सा फेयर है, तो आपके स्किन में जो है आप ग्लो बेस ज्यादा दीजिए, ग्लो बेस दे थोड़ा ज्यादा दीजिएगा, देन आपके स्किन का और भी कलर मैच हो जाएगा। हम तो डर के मारे बीबी क्रीम निकालते ही नहीं है। बीबी क्रीम जो है इट्स अ रियली, आप मेरा फेस देख रहे हो एकदम सही, जैसे मैच करने के लिए बताया एकदम सही सही हिसाब से हो रहा है, टोन ऐसा है एकदम सही टोन। तो जनरली क्या होता है वो एक बार आप करने से ही वो आपको पता चलेगा। मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर जिसका फेयर स्किन है जैसे कि एकदम येलोइश या फिर व्हाइटिश स्किन हो गया है उसमें आप बेज
सनस्क्रीन यूज मत कीजिए, ग्लो बेस बीबी क्रीम एंड व्हाइट सनस्क्रीन उसको मिक्स कीजिए 1:1 करने से भी जो है होगा, और वो आप स्किन में ट्रायल एंड एरर है, आप जब तक नहीं करोगे ऐसा मिक्स आपको वो नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे स्किन के बारे में, इसीलिए मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। देखिए मैं फिर से बताना चाहूंगा, अगर मैं मुझे ही पता नहीं है मेरा प्रोडक्ट कैसे करके यूज करूं, तो प्रोडक्ट आप सेल कहां से करोगे? वी आर अ डिस्ट्रीब्यूटर एंड वी हैव टू सेल इट। अगर मैं प्रोडक्ट खुद ही नहीं यूज करता हूं, अगर मुझे खुद प्रोडक्ट कैसे करके यूज नहीं आता है, तो वो ग्रेप्स आर सावर हो जाएगा, प्रोडक्ट आपको यूज नहीं आएगा, तो फिर बाद में बोलोगे प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है। ऐसे ही होता है इन जनरल। आपको अगर आपको गोल्ड पता नहीं है एग्जाम्पल, और आपको गोल्ड दे दिया, तो उस गोल्ड को क्या यूज करना है आपको पता नहीं होगा, राइट? अगर आप सोचिए कि एक आपके पास मोबाइल है अभी, राइट? मोबाइल है, सबके पास स्मार्टफोन है, आप एक एलिफेंट को जाके वो फोन दे दीजिए, किसी भी एनिमल को जाके देखिए, वो ऐसे करके फोन लगा के कॉल कर पाएगा? नहीं, नहीं। वो आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि आपको उसको पता है कैसे करके यूज करते हो, राइट? वैसे ही हमारा प्रोडक्ट अगर आप सही तरीके से यूज करो, खुद यूज करो, तभी ये जो है गोल्ड माइन है आपको पता चलेगा। जैसे कि आप आज देखे हो गोल्ड माइन यूज किया, और सर हमको पता ही नहीं था बीबी क्रीम का, बीबी क्रीम ऐसे यूज किया जाता है, हम लोग बीबी क्रीम एकदम साइड करके रखा है, क्योंकि यूज नहीं करते हम लोग। तो आप जो है खत्म हो चुका है, एकदम एक्सीलेंट रिजल्ट आया बीबी क्रीम और सनस्क्रीन और ग्लो बेस लगा के। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि कैसे है, मुझे एक आईना मिरर अगर है। एक बार नहीं, ठीक है मुझे मेरा फोन दीजिए, मैं एक बार फोन में देखता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा ग्लो है सर, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, और डोली जी के लिए इतनी अच्छे तरीका से उन्होंने किया। बाल में ठीक कर लूंगा, बाल में ठीक कर लेता हूँ, मुझे खुद सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मेरे स्किन जो है 10 साल और गढ़ गया है, और मेरा चश्मा में दिखता हूँ मैं। थैंक यू। अब इतने एफर्ट लगाए हुए हैं, मैं जेकब से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके लिए कुछ गिफ्ट दिया जाए। एक बार निकाल सकते हो, आपने इतने एफर्ट दिया है, बहुत जानकारी भी मिला सर। अगर ये सेशन नहीं होता तो मुझे बहुत जानकारी नहीं मिलता, फिल्म में ये मुझे काम पे आएगा बहुत, तो ये सेशन हम लोग के लिए बहुत जरूरी था। ये आपने इतना स्पेंड किया है टाइम, दिस इज फॉर यू। थैंक यू सर, इनको पूरा बॉक्स देना चाहिए था, मगर हम लोग उसका तैयारी करके नहीं आए, तो मैं चाहता हूँ कि बस इतना सही आपके लिए प्रिपेयर किया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत थैंक यू। और मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस वीडियो पूरे पहले से लेके अंत तक जुड़े हुए हैं, और खत्म कर देते हैं, फिर हम लोग फोटो लेंगे। तो फिर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन, सॉरी दैट वी हैव स्टार्टेड लेट बट ग्रेट। और आप यूज कीजिए प्रोडक्ट, ऐसे ही यूज कीजिए, और दूसरे को यूज करवाइए। हमारा बिजनेस खुद यूज एंड दूसरे को यूज करने का ही है, दूसरे का प्रोडक्ट यूज करवाना, ठीक है? उनको यूज मत कीजिए, हमारा प्रोडक्ट को यूज करके दूसरे को इंट्रोड्यूस कीजिए, यही सक्सेस का स्टेप है, और मैं चाहूंगा कि आप सक्सेसफुल बनो। थैंक यू।